फर्स्ट सिक्स सब्जेक्ट साइंस के सभी स्टूडेंट यह ध्यान देंगे कि एसपी मेंटेसरी तंत्रोल और कुशीनगर के द्वारा जो वीडियो आपके लिए जारी किया जा रहा है, आप ऑनलाइन उसको टॉपिक टू टॉपिक पढ़ते जाएं। हम लोग चैप्टर थ्री के इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स के विषय में पढ़ रहे हैं। इसका टॉपिक है, इसमें और टॉपिक को हम डेली वीडियो जारी करते जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। आप भी ध्यान देंगे और उसका नोट्स बनाते चलेंगे। लेकिन इसमें ये समझो कि टॉपिक है टॉर्च व्यू के विषय में और उसके स्ट्रक्चर के विषय में बताएंगे और बताने जा रहे हैं। आप ध्यान दें, इसमें देखिए चैप्टर में इलेक्ट्रिक टॉर्च के विषय में हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक टॉर्च के लिए स्ट्रक्चर में इसका दिया हुआ है कि आप इस वेव को देखो और इसमें हम समझाएंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ी सी बात है, यह बात है कि इसके स्ट्रक्चर में सेल को देखिए, बल्ब को देखिए और इसके पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल को भी जानिए। सबसे मुख्य वही है, पहले हम इसको बता लेते हैं फिर उसको बताते हैं। इन एन इलेक्ट्रिक टॉर्च द बैटरी बैटरी आर द सोर्स ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिक टॉर्च में जो बैटरी लगता है आप तो जानते हैं, जो सेल उसमें लगता है तो वही एनर्जी का स्रोत होता है और वही उसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे कि बल्ब लाइट बल्ब होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो द बैटरी थ्रू द वायर एंड लाइट बल्ब। जो उसमें इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसमें अभी बता दूंगा, जो इंटरनल स्ट्रक्चर में एक वायर होता है जो मेटालिक वायर होता है, वह उसके वायर को स्प्रिंग से कनेक्ट होता है। जब हम सेल को या बैटरी को जब कनेक्ट करते हैं तो उसके पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल को ध्यान में रखते हुए को कनेक्ट करते हैं, फिर स्विच को ऑन करते हैं, बल्ब जलने लगता है और इलेक्ट्रिक करंट उसी वायर से वो पासिस थ्रू होता है। इसमें देखिए इट इज नेसेसरी टू अरेंज द बैटरी। अब बैटरी को अरेंज करने के लिए कैसे उसे व्यवस्थित करेंगे, सेट करेंगे कि वो आपको इलेक्ट्रिक करंट उसमें प्रोवाइड होगा। अगर उसका अरेंजमेंट करेक्ट नहीं है, तो प्रॉपर्ली नहीं है, तो वह इलेक्ट्रिक पासिस नहीं होगा, बल्ब नहीं चलेगा। तो वही देखिए प्रॉपर्ली पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल टू द बल्ब एंड इट्स नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अदर सेल, यानी अंदर सेल टू लाइट ऑफ द बल्ब एंड व्हेन द स्विच फर्स्ट ऑन, जब स्विच को ऑन पोजीशन में करेंगे तभी जाएगा और द सर्किट कंप्लीट है द बल्ब लाइट अप। और इन द ऑफ पोजीशन जब स्विच ऑफ करते हैं, ऑन नहीं करते हैं, तो पोजीशन सर्किट इंप्रूव है। तो जो उसके अंदर का सर्किट है परिपथ जो वायर से कनेक्ट किया गया है वह टूट जाता है और उसे इलेक्ट्रिक करंट पासिस नहीं होता है और बल्ब डज नॉट लाइट, बल्ब नहीं जलता। आइए हम इसके स्ट्रक्चर में देखते हैं, बल्ब के व्यू में इसमें समझाते हैं, उसको आप देखिए। ऊपर का ये डायग्राम है, देखिए ये सेल है जो बैटरी बना लिए है। तो बैटरी का भी डिफिनेशन होता है, क्या डिफिनेशन होता है, बैटरी आप कहेंगे कि दूसरा बैटरी को कनेक्शन करते हैं, नो, बैटरी तभी आप बना लेते हैं कि बैटरी का डेफिनेशन है टू आर मोर सेल कनेक्टेड टुगेदर देन इट इज कॉल्ड बैटरी। जब दो या दो से अधिक सेल एक साथ जोड़े जाते हैं, उसको प्रॉपर्ली कनेक्ट करते हैं तो बैटरी बन जाता है। अब तो आप समझ गए होंगे, यानी गाड़ी का बैटरी अलग से नहीं है,
सेल का ही बैटरी बन जाता है। कैसे? वो टू आर मोर सेल कनेक्टेड टुगेदर एंड मेक ए बैटरी। दो या दो से अधिक सेल को कनेक्ट करोगे तो बैटरी बनाते हो। तो वही बात है, इसमें टू सेल को या टू से अधिक सेल वाले जो भी है उसको कनेक्ट करेंगे। लेकिन इसको देखिए, यहाँ पर स्विच है, ये वायर है, इसके इंटरनल होता है, अंदर कनेक्शन होता है और इस कनेक्शन वो इंटरनल होता है जो आपको दिखाई नहीं देता है टच। फिर ये मेटल स्प्रिंग है जो उसके बॉटम के तरफ है, वह इस टाइप का स्प्रिंग आप देखे हो, वह उस वायर से ज्वाइंट होता है। और फिर इस बैटरी को अरेंज करने के लिए देखिए, जो आप सेल में देखे होंगे तो टॉप के तरफ पर पॉजिटिव होता है और बॉटम के तरफ पर सेल के निगेटिव होता है। तो इस वायर से देखिए कैसे कनेक्ट किया गया है, यह पॉजिटिव टर्मिनल है, यह निगेटिव है। फिर यह निगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया गया, इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया। और फिर इसका पॉजिटिव जो है बल्ब के निगेटिव से टर्मिनल कनेक्टेड, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड की निगेटिव टर्मिनल ऑफ अदर्स है। देयर द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट, इफ दे डू नॉट कनेक्ट प्रॉपर्ली देन द इलेक्ट्रिक करंट डू नॉट पासेस थ्रू इट, अ सर्किट इज नॉट कंप्लीट, देन द बल्ब विल बी नॉट बल्ब। इफ द कनेक्शन इज प्रॉपर्ली, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बल्ब और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अदर सेल कनेक्टेड टुगेदर, देन द बल्ब विल बी ग्लो, तो बल्ब जलेगा। और ये जलने के ही पोजिशन में लाइटेड बल्ब, और यदि इसके ऑफ पोजिशन के लिए है तो ऑफ पोजिशन के लिए इसमें हम समझाएंगे, इसमें एक स्प्रिंग नुमा होता है जो थिन वायर होता है, तो वह थिन वायर के लिए ऑफ पोजिशन में जैसे इसके स्विच ऑफ करते हो तो उसका कनेक्शन बल्ब से टूट जाता है, यानी उसका कनेक्शन छूट जाता है, तो वह बल्ब जो है नहीं जलता है। इन ऑफ पोजिशन द बल्ब भी ना को, इसके लिए समझने के लिए देखिए इस तरह से होता है, ये अंदर स्विच में होता है इंटरनल, और इस तरह से ये होता है। देखिए ये वायर का कनेक्शन होता है, तो जब क्या होते हैं कि ऑफ पोजीशन में ये ऐसे बीच में देखिए जगह ऐसे हो जाता है, हट जाता है, और ऑन पोजीशन में ये कनेक्ट हो जाता है। देखिए ऑन पोजीशन में कनेक्ट हो गया, ऑफ पोजीशन में कनेक्ट नहीं होता है, ये यहाँ हो जाता है, इसलिए इस कंडीशन में बल्ब नहीं जलता है, लेकिन इस कनेक्शन में बल्ब जलने लगता है। इसी के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो जारी करूँगा।